नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट बंगाल FC और डूडन कप के टिकट के संपर्क में। तो दोस्तों, दोनों ही अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डूडन कप के टिकट के संपर्क में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि डूडन कप का सीजन शुरू होने ही वाला है और ग्रुप ए और बी का मैचेस कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो कोलकाता के युवा भारती क्रांगन स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम, इन दोनों स्टेडियम्स में ग्रुप ए और बी का मैचेस खेला जाएगा। तो दोस्तों, आज ही डूडन कप के तरफ से ऑफिशियली खबर आ चुका है कि टिकट सभी फैंस के लिए अवेलेबल हो चुका है। तो आप टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हो बुक माई शो से। तो दोस्तों, आज ही से टिकट अवेलेबल किया गया है सभी फैंस के लिए डूडन कप मैनेजमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, टिकट अवेलेबल हो चुका है, आप इसे बुक माई शो से ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, ईस्ट बंगाल FC को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर आ रहा है, जो कि मैंने आप सभी को कम्युनिटी टैब पर भी बता दिया था। तो दोस्तों, हेनरी किसेका को ईस्ट बंगाल FC अपने टीम में साइन करवाना चाहती है फॉर द CFL। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता फुटबॉल लीग के लिए हेनरी किसेका को इमामी ईस्ट बंगाल FC साइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। तो दोस्तों, कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, जैसे कि आप सभी जानते हो, CFL में कोच नहीं रहेंगे। बिनो जॉर्ज एज अ हेड कोच काम करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा चांस है कि ईस्ट बंगाल FC का रिजर्व टीम ही CFL में खेलने वाला है, जैसे कि फिलहाल अभी लग रहा है। तो दोस्तों, हेनरी किसेका काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ईस्ट बंगाल FC के जर्सी में हम सभी को खेलते हुए दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।